up guys, I'm Vishal from Vishal Dance Academy. This Vishu. And so आज सडनली प्लान बनाया कि हस्तिनापुर घूमा जाए और फिर हम चलते हैं हस्तिनापुर और आपको दिखाते हैं कि हमने वहाँ क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, आपको सब दिखाने वाले हैं, तो मिलते हैं। तो गाइस अब रेडी हो चुके हैं चलने के लिए, तो मिलते हैं। ओके सो गाइस ऑन द वे हैं और जल्दी ही आने वाले हैं हस्तिनापुर, सो लेट्स सी। Only 19 kilometers. So guys, only 11 kilometers. गाइस तो पार्किंग में हो चुकी है हमारी बाइक और अब चलते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं कल्पवृक्ष द्वार, तो चलते हैं अंदर। तो देखिएगा गाइस सुमेरु पर्वत, दिखाता हूँ, यह है सुमेरु पर्वत। इसके अंदर भी चलेंगे हम, बट अभी आपको दूर से ही दिखा दिया। ये जहाँ पर हस्तिनापुर में हाथी की सवारी इस तरीके से होती है। ओके गाइस तो ये है कमल मंदिर, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये हस्तिनापुर में काफ़ी आपने देखा होगा, सब लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, तो मैं भी इस तरीके से आज यहाँ पर आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ। तो गाइस दिस इज आहार महल, वेरी अमेजिंग। तो गाइस ये शिव शांति त्रिमूर्ति मंदिर अभी न्यू बन रहा है और ये आई थिंक ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, आप आइएगा और देखिएगा, शायद आप वन मंथ लेटर आप आते हैं तो आपको ये साथ बना मिलेगा। तो गाइस ये वही मंदिर है जो मैं आपको बता रहा था कि न्यू बन रहा है, लेकिन ये अंदर से कंप्लीट हो चुका है और हम आपको इसको दिखाने वाले हैं। देखिएगा ओके गाइस ये है ध्यान मंदिर, आप यहां आ सकते हैं, दिस इज वेरी अमेजिंग। ओके गाइस तो आप देख सकते हैं तीन लोग की रचना, मतलब यहाँ पर तीनों लोग की यात्रा कर सकते हैं हम। अंदर आइएगा देखिएगा हस्तिनापुर में, ये बहुत अमेजिंग है और बहुत ही लग्जरी बना हुआ है। एंड गाइस एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, इधर आइए। गाइस आपने बहुत बार सुना होगा छुई मुई का पेड़, लेकिन मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, आइए देखिएगा। दिस देखिए गाइस, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली मुरझा जाएगा, देखो देखिए गाइस। एंड मैं आपको वन मोर, ये देखिए गाइस, ये देखिएगा गाइस, देखिएगा पूरा का पूरा, ये देखो गाइस। ओके एंड क्लिक वाओ, अगर आपको ये देखना है तो आप हस्तिनापुर आके विजिट कर सकते गाइस। तो अब मैं आपको अंदर चल के तीनों लोग की रचना दिखाने वाला हूँ, उसका टिकट भी हमने ले लिया है और हम चलने वाले हैं अंदर के लिए, आइए। ओके तो मैंने लिफ्ट ओपन कर दिया, हम लिफ्ट में चलने वाले हैं। गाइस अभी हम चलने वाले हैं, कितना दिखाने वाले हैं हम लोग, सो देखिए गाइस आप देख सकते हैं इधर कितना लग्जरी तरीके से बनाया हुआ है।
तो गाइस मैं आपको एक और अमेजिंग दिखाने वाला हूँ, सेहरा दी दिनालय। तो हम आपको दिखाने वाले हैं अंदर भी इसको, आइए। सो गाइस हम अंदर चलते हैं। आप आ सकते हैं हस्तिनापुर और देख सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं भगवान भरत, भगवान आदित्यनाथ, भगवान बाहुबली जी का मंदिर, आइएगा और देख सकते गाइस। सो अब हम आ गए हैं श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर। तो हम अंदर से दिखाने वाले हैं इसमें क्या क्या मंदिर हैं और क्या क्या व्यू है। ओके गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं श्री कैलाश। आप व्यू देख सकते हैं कितना लग्जरी दिख रहा है, और इधर भी देखिएगा एंड बहुत सारा है। अभी हम आपको वन बाय वन दिखाने वाले हैं। ओके कितना बिग एंड कितना अमेजिंग है, और देखने में काफ़ी लग्जरी लगता है। आप आइएगा और देखिएगा एक बार, इसको देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम कितने ऊपर आ चुके हैं, और आप नीचे देखिएगा कैसा व्यू दिख रहा है। और अभी गाइस और भी ऊपर है, आइए। तो गाइस फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और आप देखिएगा एक बार कितना ही लग्जरी लग रहा है। गाइस मैं तो कहता हूँ कि आप जरूर आइएगा एक बार देखिएगा। गाइस आप देखिएगा कितना अमेजिंग बना हुआ है, देखो कांच का पुल टाइप बनाया हुआ है। एक बार आप देखिएगा जरा, कैमरा इधर आइएगा और आप आइएगा गाइस, मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ ऊपर से, क्या लग्जरी अमेजिंग व्यू है। आप देखिएगा एक बार हमारे कैमरा प्लीज इधर एक बार दिखाइएगा, एक बार ऑडियंस को इधर दिखाइएगा एक बार हमारी, क्या व्यू है आप देख सकते हैं गाइस। ओके गाइस इधर भी देखिएगा एक बार, इधर देखिएगा एक बार गाइस, नीचे देखिएगा गाइस। गाइस सो अभी क्या है कि मैं इस कैलाश पर्वत पर सबसे ही ऊपर आ चुका हूँ, और आपको यहाँ पर व्यूज दिखाने के लिए आया हूँ कि एक बार आप देख सकते हैं कि कैसा व्यू है। गाइस सो फाइनली अभी हम यहाँ आ चुके हैं जैन मंदिर, और ये बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। बट अभी क्या है कि इसको लॉक किया गया है, कोई जा नहीं सकता है, बट मैंने आपको सोचा कि आपको दूर से ही दिखा दूँ। आप देख सकते हैं, कैमरा जूम करके दिखा दें। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं फाइनली श्री महंत रमन गिरी जी का, महाराज जी का मंदिर। ओके गाइस तो अभी हम अंदर चलते हैं, दिखाने वाले हैं अंदर क्या क्या है। सो गाइस अभी हम अंदर आए हैं, ये बहुत ही प्राचीन और पांडवों के समय का कुआं है, पांडव अमृत कुआं, और इसके पानी से स्नान करने से चरम रोग से मुक्ति मिलती है। आप देख सकते हैं गाइस, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर से, आइए एक बार। गाइस आप आ सकते हैं यहाँ पर, इसमें आपको दिखाने वाला हूँ इस तरीके से पानी इसमें कैसे निकालते हैं। देखिए गाइस इस तरीके से, एंड इस तरीके से आप इसको स्नान करने से, बट हम फिलहाल क्या थोड़ा बहुत हमने प्रेस ही मार लिया। थैंक यू। ओके गाइस तो फाइनली अभी हम देखो नाइट होने वाली है, और बहुत टाइम कम बचा है, और हमें घर भी निकलना है, तो मैं आपको सारी मंदिर नहीं दिखा पाया हूँ,
मैं आपको सारे टेम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।